संपूर्ण पृथ्वी जगत में मौजूद जीव जंतुओं की अरबों प्रजातियों में से केवल मनुष्य ही एक ऐसी प्रजाति है जिसने अनंत को जाना है और वह उस अनंत के हर पहलू को जानना चाहता है जो उसकी सोच और समझ से भी परे है। अलौकिक लोकों में चमकते सितारे, ब्रह्मांड के अंधेरे में चुपचाप चमकते सितारे और अरबों प्रकाश वर्ष दूर इस पृथ्वी को यह संदेश भेज रहे हैं कि आप इस अनंत ब्रह्मांड में जीवन की सांस लेने वाले अकेले व्यक्ति नहीं हैं। अंधकार से भरी ये दुनिया जहां प्रकाश की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में अंधेरे की शक्ति प्रकाश से अधिक शक्तिशाली मानी जाती है। यद्यपि प्रकाश अंधकार की एकमात्र कमजोरी है, अंधकार ही एकमात्र सत्य है और प्रकाश केवल कुछ क्षणों का सफेद झूठ है। यहाँ तारे हैं, संभवतः अरबों प्रकार के रंग मौजूद हैं। ग्रह जो चमत्कारों से भरे हुए हैं और उनमें से एक हम हैं। इस सदी के महानतम खगोलशास्त्रियों में से एक ने कहा था कि कहीं न कहीं कुछ खोजा जाना बाकी है। युगों युगों से भारत में रहने वाले लोग प्रकृति नामक महान शक्ति की पूजा करते आए हैं। उन्होंने हर चीज में ईश्वर को पाया। अग्नि की चमक से चमकने वाले उस सूर्य से लेकर शीतल सुंदर किरणें प्रदान करने वाले चंद्रमा तक, पृथ्वी की वायुयुक्त मिट्टी से लेकर भोजन देने वाले पर्वत, वन और वृक्ष तक, पवित्र अग्नि से लेकर तेज तेज हवाओं तक, इंसानों को जीवन देने वाले खेतों से लेकर उनके जाने पहचाने बहाने तक, गाय बैल से लेकर आसमान में उड़ते पक्षियों तक, दुनिया की हर छोटी चीज से लेकर हर बड़ी चीज तक, जिनकी प्राचीन शिक्षाएं आज भी दुनिया भर में प्रचलित हैं। हिंदुओं के महान पूर्वज जिन्होंने दुनिया को चेतना, धर्म, कर्म, संसार और ब्रह्मांड का ज्ञान दिया जो बिल्कुल अमूल्य है और जिसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। न कुछ पैदा होता है और न कुछ खत्म होता है, सभी पहले से ही हर समय मौजूद हैं। यह बस किसी और चीज में बदलता रहता है जिसके बारे में हम सोचते हैं कि यह समाप्त हो गया है या इसका जन्म हो गया है। ब्रह्मांड वास्तव में है क्या? ये अनंत संसार कैसे बने? यह अनंत क्या है? आज विज्ञान नहीं, आज आप दुनिया के सबसे पुराने धर्म के प्राचीन ग्रंथों में निहित गूढ़ ज्ञान के बारे में जानेंगे जो आपको बताता है कि ब्रह्मांड वास्तव में क्या है, इसे कैसे बनाया गया और कई अन्य चीजें जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे। वेदों में ज्ञान का भंडार कहा जाने वाला ऋग्वेद ब्रह्मांड की रचना के बारे में इतना गुणवत्तापूर्ण ज्ञान प्रदान करता है कि इसे पढ़ते हुए मुझे वह शांति मिल रही थी जो आपको मिलने वाली है। ऋग्वेद का नाशाद सूक्त, जो ऋग्वेद के 10वें मंडल के 129 सूक्तों में समाहित है, ब्रह्मांड के बारे में कुछ न कुछ लिखा है। नाशादीय सूक्त की पहली ऋचा कह रही है कि संसार की रचना से पहले न तो कोई अस्तित्व में था और न ही कोई अस्तित्व में था, अर्थात इस संसार का प्रारंभ क्षा से हुआ। तब न हवा थी, न आकाश था और न उससे परे कुछ था। चारों ओर अंधकार के अलावा कुछ भी नहीं था, समुद्र जितना गहरा और गहरा। नास सुख का दूसरा श्लोक कहता है कि उस समय न तो मृत्यु थी और न ही अमरता। इसका मतलब यह था कि पृथ्वी पर कोई जीवन नहीं था और स्वर्ग में कोई अमर व्यक्ति नहीं रहता था। उस समय कोई दिन या रात नहीं होती थी। उस समय प्रकृति नामक एक शाश्वत पदार्थ ही था, अर्थात जिसकी कोई शुरुआत नहीं है और जो सदैव से चला आ रहा है। तीसरा श्लोक जो यह कह रहा है कि आदि में केवल अंधकार में लिपटा हुआ अंधकार था और वह जल के समान बिना किसी आकार का एक शाश्वत पदार्थ था, यानी यह अपना आयतन बदले बिना भी अपना रूप बदल सकता है। तब उस शाश्वत पदार्थ में महान निरंतर तपस्या से निर्माता, सर्वोच्च आत्मा या भगवान प्रकट होते हैं। फिर चौथे श्लोक में लिखा है कि सबसे पहले सृजक को सृष्टि रचने की इच्छा, विचार या भावना होती है जो सृष्टि उत्पत्ति के प्रथम बीज थे। इसी प्रकार सृष्टिकर्ता ने सोच समझकर अस्तित्व और अनस्तित्व के बीच के अंतर को विभाजित किया और पांचवें श्लोक में कहा गया है कि फिर उससे चार जैसी ऊर्जा की तरंगे और बीस से इच्छा के रूप में सूर्य की किरणें निकली। इसी प्रकार छठे श्लोक में कहा गया है कि यह कौन ठीक ठीक बता सकता है कि इस नाना प्रकार की सृष्टि की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, क्योंकि विद्वान तो सृष्टि रचना के बाद ही आए थे। अतः वर्तमान समय में कोई यह दावा करके ठीक ठीक वर्णन नहीं कर सकता कि सृष्टि के अस्तित्व में आने से पहले क्या था और इसके अस्तित्व में आने का कारण क्या था। और अंतिम तथा सातवें श्लोक में लिखा है कि सृष्टि रचना का स्रोत क्या है, सृष्टि का कर्ता, धारक, संचालक, प्रेक्षक कौन है, ऊपर कहीं स्वर्ग में बैठा है। हे विद्वानों,
उसे जानो। यदि तुम नहीं जान सकते तो कौन जान सकता है। दोस्तों, दुनिया में हजारों ग्रंथ और किताबें सृष्टि के बारे में अपनी अनगिनत बातें कहती हैं। इसी प्रकार ऋग्वेद में भी कहा गया है, हम उस चीज को जानने के बारे में बात कर रहे हैं जिसे हम कभी नहीं जान सकते। अगर आप इस ब्रह्मांड से बात करना चाहते हैं तो मैं हर बार कहती हूँ कि इसकी भाषा मौन की भाषा है। आप खुद से पूछ सकते हैं कि यह क्या है, इसे कैसे बनाया गया और क्यों बनाया गया। आप गहरे स्तर पर कुछ ऐसा अनुभव करेंगे जो आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया होगा। तो आज के वीडियो में हमने ऋग्वेद में ब्रह्मांड की रचना के बारे में बात की, लेकिन अगले वीडियो में हम ऐसे ही अनंत ज्ञान के बारे में बात करेंगे। आपके बहुमूल्य समय के लिए धन्यवाद। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के बारे में इतना अद्भुत ज्ञान फैलाने में सक्षम हैं। हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद चाहते हैं, ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो अवश्य देखें। अधिक सनातन ज्ञान वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।